करनाल हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि करनाल शहर सीएम सिटी की बजाय क्राइम सिटी बनता जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता खामोश बने हुए हैं। इसका राज समझ से बाहर है। दिन ब दिन लूट, डकैती की, चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इससे करनाल दहल उठा है। कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। 1 सितंबर को मान कॉलोनी में गुंडागर्दी, 2 सितंबर को गांव कलहेड़ी में लूट, आज एक महिला के गले से चैन खींच ली गई, अभी निगदू में बैंक का डाका डाला गया। क्या मुख्यमंत्री सबसे बेखबर है? मुख्यमंत्री को अपने हलके से कोई लेना देना ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो जन आशीर्वाद यात्रा में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि ऐसी जन आशीर्वाद यात्रा का क्या मतलब जब उनका हलका ही सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री यात्रा में लगे हैं, उनका घर लूट रहा है। प्रशासन और पुलिस फैल चुकी है। करनाल के लोग ही नहीं जागे तो उनके पास कुछ ही नहीं बचेगा। उन्होंने करनाल के लोगों से अपील की है कि सभी एकजुट होकर अपने विधायक को एहसास कराए कि वह मुख्यमंत्री से पहले करनाल के विधायक हैं। हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस सरदार त्रिलोचन सिंह। आज कानून व्यवस्था पर, मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था पर अपना वक्तव्य देंगे। क्या राय रखते हैं आप? देखिए, हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन अफसोस हमारे को शर्म आती कहते हुए कि हम सीएम सिटी करनाल से हैं। करनाल का पिछले 6 महीने से इतना बुरे हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, कभी डॉक्टर गुप्ता का कत्ल हुआ, राहुल हांडा के घर में डकैती पड़ी, पेट्रोल पंपों पर डकैती पड़ी, परसों रामनगर में मान कॉलोनी में सरेआम गुंडागर्दी हुई, कल कलवारी के अंदर लूटपाट हुई, और कल ही इंद्री के अंदर भी लूटपाट हुई अनाज मंडी में, आज सुबह करनाल में चैन स्नेचिंग हुई, अभी थोड़ी देर पहले करनाल के कस्बे निगदू में बैंक में डकैती हुई, और उससे पहले करीब 4 महीने पहले कम से कम 12 या 13 डेड बॉडी मिली जिनकी कभी शिनाख्त नहीं हुई। उनमें 2-3 डेड बॉडी तो सीएम रेजिडेंस के बिल्कुल नज़दीक अग्नि पार्क में मिली, लेकिन उसके बाद आज तक लेकर किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। करनाल के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस शहर के लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी का सपना लिया था, सीएम सिटी का सपना लिया था, अपना अफसोस की बात है कि सीएम सिटी आज क्राइम सिटी बन के रह गया है। क्राइम पूरी तरह करनाल के अंदर हावी है, और मुख्यमंत्री महोदय जो करनाल से एमएलए भी हैं, उनका करनाल की तरफ कोई ध्यान नहीं। उन्होंने कभी करनाल में आकर लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। उन्होंने कभी अपने वर्करों को बुलाकर, लोकल लीडरों को बुलाकर कभी नहीं पूछा कि करनाल के क्या हालात हैं, और ना ही जो भाजपा के सीनियर वर्कर हैं, लीडर हैं, ना ही उन्होंने कभी कोशिश की कि हम मुख्यमंत्री का ध्यान लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ही दिलाएं। इस आज जो घटना घटी निगदू के अंदर, उससे साफ जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है। हाँ जी, मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है, करनाल भी पहुंची थी और पूरे प्रदेश में चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य के साथ निकाली जा रही है? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है, ये केवल दिखावा है, कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने इतना काम किया है जैसे वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? आप काम करो। पिछले 6 महीने से सीएम साहब कभी चंडीगढ़ भी लगता नहीं गए, सारे मंत्री अपने अपने हलकों में लगे हुए सीएम को खुश करने के लिए, कितने पिछले काफी समय से चंडीगढ़ के नहीं गए, सारा प्रशासन उनकी तैयारियों में लगा हुआ है, करोड़ों रुपया लोगों का खर्च हो गया, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हो गया, लेकिन इस आशीर्वाद का कोई भाव नहीं है, इस आशीर्वाद का कोई मोल नहीं है। आशीर्वाद तो वो होता है जो लोग खुद ब खुद सड़कों पर उतर आए, लोग खुद ब खुद आशीर्वाद देने के लिए आए, अपने चुबारों पर खड़ा होकर, मीनारों में, गलियों में खड़े होकर आशीर्वाद दें। ये तो पॉइंट फिक्स कर देते हैं, इस पॉइंट पे फलाना एमएलए खड़ा होगा, इस पॉइंट पे वो खड़ा होगा, एमसी खड़ा होगा, आशीर्वाद देंगे। ये आशीर्वाद नहीं, ये धक्के से लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद वो होती है जो लोगों को दिलों से हो,
आशीर्वाद लेनी है, किसानों के बीच में जाए आशीर्वाद लेनी है, कर्मचारियों के बीच में जाए आशीर्वाद लेनी है, तो व्यापारियों का हाल पूछे आशीर्वाद लेनी है, तो बेरोजगारों का हाल पूछे। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इतनी बुरी तरह जब बढ़ गई है कि लोग ये जो लाड की स्थिति खराब हो रही है, जो रोज लूट की घटनाएं हो रही हैं, ये बेरोजगारी की वजह है। ये जो मोदी साहब की जो नीति है जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन ब दिन मंदी का दौर छाया हुआ है, उसी वजह से डकैतियां होती हैं, उसी वजह से लूट हो रही है। अभी आगे आके अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लॉ ऑर्डर के विरोध में आप कोई पार्टी की तरफ से कोई एजिटेशन कुछ करने जा रहे हैं या क्या कुछ पार्टी चुनाव नजदीक? देखिए कुछ दिन और देखेंगे, चुनाव तो चलते रहेंगे। चुनाव का लॉ एंड ऑर्डर का अलग अलग मुद्दा है, हम इसको राजनीतिक तौर पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सारे हमारे भाई बहन हैं, चाहे जिनके घरों में डाका है लगा, जिनके लूटपाट हुई, जिन घर मारपीट हुई, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, पहले हम सोशल हैं, लोकल भाई भाई हैं। मुख्यमंत्री तो बाहर के हैं, आए हैं, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो चले जाएंगे, लेकिन हमने लोकल रहना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो हरिंदर कल्याण है, चाहे कबीरपंथी है, चाहे बख्शी सिंह जी हैं, चाहे जगमोहन जी हैं, चाहे कथूरिया जी हैं, चाहे कृष्ण गर्ग हैं, चाहे रेणु बाला है, चाहे भगवान दास अग्गी हैं, इन सबको एक होकर सीएम के कान में डालनी चाहिए। वे करनाल की जो व्यवस्था है बड़ी खराब हो चुकी है, इसमें सुधार किया जाए, और जितने व्यापारी तबके हैं जो सीएम साहब के आने पर हजारों टन फूल खराब करते हैं बुके दे देकर, उनको भी चाहिए आगे बढ़कर सीएम के कान में कहें कि यहाँ की सिस्टम बड़ा खराब है, इसको सुधार किया जाए, और प्रशासन को भी खिंचाई की जाए। मैं एसपी महोदय को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सुनता हूँ कि नफरी कम है लोड ज्यादा है, लेकिन ये वक्त है अब आगे बढ़कर लोगों का जान माल की सुरक्षा करें और ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें, ताकि लोग सुख की नींद सो सकें। सीएम सिटी का नाम तो क्राइम सिटी हो गया, लेकिन इसे आगे बढ़ने से इसको रोका जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।